मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग में बहाली रद्द करने के बाद बड़ी संख्या में छटनी ग्रस्त कर्मी सदर अस्पताल में जुट गए। इन लोगों की मांग है कि निरस्तीकरण आदेश को वापस ले। सदर अस्पताल में निरस्त किए गए बहाली के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हटाए गए कर्मियों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग में निकाले गए बहाली को निरस्त करने के बाद स्वास्थ्य कर्मी की नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के बहाली में काफी गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर तत्काल इस बहाली को निरस्त किया गया है। सदर अस्पताल से लेकर SKMCS तक स्वास्थ्य कर्मी इसको लेकर हंगामा करना शुरू कर चुके हैं। गौरतलब हो कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर, ANM, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन समेत कई पदों पर करीब 700 से अधिक की बहाली की थी। बहाल कर्मियों को हटा दिए जाने के बाद से कर्मियों में काफी आक्रोश है और अब वो लोग आंदोलन और धरना प्रदर्शन के मूड में हैं। इनका कहना है कि पदाधिकारियों ने ये कहकर हटा दिया है कि कोरोना जिले में समाप्त हो गया है, अब बहाल कर्मियों की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, बहाली में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप थे। आरोप के मद्देनजर DDC के स्तर पर इसकी जांच हो रही थी। मुजफ्फरपुर से अभयराज की रिपोर्ट। तो